हेलो बच्चों, बेटा अपन क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। इसमें हमने दो वीडियोस कर लिए थे पहले, ठीक है। तो सेकंड वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ना, तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा था ताप का प्रभाव, कि क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो ताप के प्रभाव से परिवर्तित होती हैं, ये चीज़ देखी थी हमने, ठीक है ना। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, है ना। और फिर हमने इसके ऊपर ताप परिवर्तन का प्रभाव देखा था, है ना, कि ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। गलनांक देखा हमने, क्वथनांक देखा, ठीक है। अब इसके बाद में इस वीडियो में हम दाब परिवर्तन का प्रभाव, कि क्या पदार्थ की जो अवस्था है वो दाब में परिवर्तन करने से बदल सकती है, यस, है ना। जैसे मैंने बताया था ना बेटा आपको, कि जो गैस का सिलेंडर होता है, जो हमारे घरों में रसोई गैस का सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर तुम कभी हिला के देखना उसको, है ना, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर कोई द्रव भरा हुआ है क्या, है ना, जैसे कोई लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, तो वो। और जब हम उसको गैस को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है। और लगता कैसा है हमको? कि उसके अंदर कुछ पानी जैसी कोई चीज़ भरी हुई है, द्रव भरा हुआ है ना। तो उसमें क्या है बेटा, जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा दाव पर, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर, है ना, लगाकर उसको क्या कर दिया जाता है, द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो LPG होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर हम किस में चेंज कर देते हैं? लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो जिस तरह से ठोस को हमने ताप दिया, ऊष्मा ऊर्जा दी, द्रव में बदल गया, है ना। द्रव को हमने ऊष्मा ऊर्जा दी, वो वाष्प में बदल गया, ठीक है ना। ऐसे ही वाष्प को हमने ठंडा किया, द्रव में बदल जाएगी। द्रव को हमने और ठंडा किया तो वो ठोस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दाव लगाकर भी हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे देखा था ना बेटा, गैस को किस में बदल दिया था हमने? द्रव में बदल दिया था, है ना। लेकिन इससे पहले बेटा एक ये चीज़ हो रही थी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, है ना, जो सीधे ही अवस्था परिवर्तन होती है, यानी वो ठोस से सीधे किस अवस्था में चले जाते हैं? जैसे ही आप उसको गर्म को गर्म करोगे तो ठोस से वो गैसीय अवस्था में चले जाएंगे, और जैसे ही आप उनको ठंडा करोगे तो वो गैस से वापस किस में बदल जाएंगे? ठोस में बदल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है इसमें, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है बेटा, देखो ये बर्नर है ना, एक ये चीनी मिट्टी की प्याली है, इसके अंदर ये लिया हुआ है, क्या है इसके अंदर? ठोस अमोनियम क्लोराइड, ये जो रखा हुआ है ना, ये क्या है? ठोस अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ठीक है ना। जब इसको गर्म करते हैं तो इसके ऊपर उल्टा ये कीप रख दिया है, और इसमें यहाँ रुई का टुकड़ा लगा दिया, जिससे कि जब ये गर्म हो तो इसकी जो वाष्प बने वो इसमें से बाहर निकल के नहीं जाए। तो हमने देखा कि जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को, तो ये द्रव में नहीं बदलता, ये सीधे किस में? वाष्प में बदल जाता है ना। इसमें से वाष्प उठती हुई दिखती है हमको, भाप उठती हुई दिखती है, और फिर यहाँ इसके कीप जो है, ये इसके किनारों पर क्या मिलती है? इसको ठंडक मिलती है, तो ये वापस से किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। अर्थात सीधे ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में चले जाना, और ठंडक पाकर किससे? गैसीय अवस्था से, ठीक है ना, वाष्प अवस्था से किस में बदल जाना? ठोस में बदल जाना, है ना। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है। अब हम ये पढ़ेंगे, देखो, हाँ ये भी लिखा हुआ था बेटा यहाँ पे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इनको ध्यान रखना है हमें, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, है ना। दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्रेशर, PEPRESSURE, प्रेशर। हम जानते हैं कि घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, घटक कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण है ना, कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, तो क्यों होते हैं ये? क्योंकि उनके जो घटक कण हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की दूरियों में क्या है, अंतर है। से दिखाया था ना कि जो ठोस होता है उसमें बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, है ना, द्रव में थोड़ा सा दूरी होती है और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं उनके जो घटक कण होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो। तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। कोई ठोस होता है, कोई द्रव होता है, कोई गैस होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, है ना, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? यस, बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ही हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसके कण पास पास आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? यस, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इस चित्र में ये दिखाया गया, दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसे ये बेटा एक पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, पिस्टन क्या कर सकता है, चीज़ों को दबा सकता है, और ये सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। जैसे सिरिंज होती है ना, वो एक तरह से सिलेंडर और पिस्टन का छोटा सा रूप है वो, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो, गैस के कण दूर दूर हैं, फिर इसको पिस्टन को दबाया तो गैस के कण पास पास आने लगे, है ना, फिर और दबाया तो कैसे हो गए, ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ गए, तो कंप्रेस हो गई ना, ये संपीड़ित हो गई ये गैस, ठीक है। तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है ना। तो दाब को बढ़ाएं हम और तापमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो गैस जो है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना बेटा, तो ये कैसी है, गैस अवस्था में है ना। अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के, है ना, और टेम्परेचर को कम करके किस में बदला जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। तो इसे उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है, है ना, इसे इकट्ठा किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर 1 ATM हो, तो ठोस CO2 द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या है बेटा कि इसको CO2 जो है ना, इसको हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है ना, इकट्ठा कर लिया हमने, और जैसे ही फिर उसका प्रेशर क्या आएगा, है ना, 1 atmosphere यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, तो वापस वो ठोस से किस में चेंज हो जाएगी, है ना, द्रव में आए बिना किस में, गैस में चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से ये मानो आपके हाई प्रेशर लगाकर उसको किस में बदला जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है गैस को, और जैसे ही वो नॉर्मल प्रेशर पे आएगी तो वापस वो ठोस से किस में बदल जाएगी, सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम, है ना, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। क्यों कहते हैं बताओ ड्राई आइस इसको, क्योंकि हाई प्रेशर पर ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। जैसे ही प्रेशर को क्या करेंगे अपन, है ना, नॉर्मल करेंगे उसको, प्रेशर बढ़ेगा, है ना, प्रेशर क्या होगा, पहले क्या था, हाई प्रेशर था तो वो ठोस अवस्था में थी, ठीक है ना, और प्रेशर को जैसे रिलीज करेंगे तो प्रेशर कम होगा, और होते होते जैसे ही वो प्रेशर 1 atmosphere पे आएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, तो वो किस में, सीधे ठोस से किस में चेंज हो जाएगी, वो गैस में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है, यानी लिक्विड स्टेट इसमें नहीं होती है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, हम ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या हो गई बताओ, यानी हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को जब संग्रहित किया जाता है तो वो किस में बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है ना, प्रेशर नॉर्मल होता है, सामान्य दाब होता है ना, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो वो वापस से किस में चेंज हो जाती है, द्रव में चेंज हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में चली जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएँ ठोस यानी ठोस, द्रव और गैस, दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो किस किस के द्वारा चेंज होती है बेटा, ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं, है ना। जैसे ये देखो ठोस को हमने ताप दिया तो संगलन फ्यूज़न हो गया, ये गला दिया हमने, किस में बदल गया, द्रव में। देखो ये ऊपर वाले चिन्ह को देख रहा हूँ मैं, ऊपर वाले एरो को देख रहा हूँ, है ना। तो ठोस को टेम्परेचर दे के हमने संगलित किया, फ्यूज़ किया उसको, फ्यूज़न किया उसका, तो द्रव में बदल गया। द्रव को वापस से फिर हमने और गर्म किया तो वाष्पीकरण हो गया, इवेपोरेशन हो गया, और क्या बन गई, गैस बन गई। अब देखो इसका उल्टा देखो, ठीक है ना, गैस को जैसे ही ठंडा करेंगे, संघनन कंडेंसेशन हो गया ये, है ना,
तो द्रव में बदल गई, और द्रव को वापस से और ठंडा करेंगे तो ये सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, इसका जम जाएगा, सॉलिडिफिकेशन होकर वापस क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। एक ये विशेष अवस्था है जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हम। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस जो है वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और गैस को जैसे ही ठंडा करते हैं तो ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए किस में बदल जाती है, ठोस में, जिसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब इसके बाद अपन आते हैं 1.5, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, EVAPOURATION, इवेपोरेशन। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? बेटा अवस्था बदलनी है तो ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको, या दाब लगाना पड़ेगा। क्या आपने दैनिक जीवन में, आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? हाँ देखो, अब ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है ना। ये कहना है कि जैसे पानी है, तो पानी कब उबलेगा, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे हम, है ना। तो क्वथनांक क्या हो गया उसका, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या, तो फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे हम उसको, तो वो उबलेगा और क्या बनेगी, उसकी वाष्प बनेगी। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे ही वो क्या बदल जाए, वाष्प में बदल जाए? यस, संभव है। जैसे आप कपड़े सुखाते हो, है ना, धूप में कपड़े डालते हैं, तो धूप का टेम्परेचर जैसे मैक्सिमम जून, मई जून के महीने में कितना होता है, 40, 42, 43 होता है, 100 तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। इसका मतलब कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसका मतलब द्रव से किस में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है। तो द्रव से वाष्प में चेंज होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, 100 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको गर्म करें। एक विशेष गुण होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इसमें बिना क्वथनांक तक पहुँचे द्रव जो है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर, जैसे धूप में रख दिया हमने पानी की बाल्टी भर के, है ना, तो धीरे धीरे किस में चेंज जाती है, ये वाष्प में चेंज हो जाती है, वेपर, है ना। वाष्प को वेपर बोलते हैं और वाष्पीकरण को इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, यस, आप देखो बेटा ये रहा इसमें। आपने देखा कि भाई जो है ना, गीले कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। तो जब जल को खुला छोड़ दिया देने पर धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। क्या हुआ, जल का वाष्पीकरण हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, है ना। तो ऐसा लगता है ना अपने को, भाई ठोस के अंदर कण तो ये तो चुपचाप बैठे होंगे अंदर, नहीं, इनके अंदर भी क्या होती है, गतिज अवस्था होती है, उनके अंदर भी गतिज ऊर्जा होती है, कुछ ना कुछ मात्रा में वो गति कर रहे होते हैं। द्रव के अंदर भी गति कर रहे होते हैं, गैस के अंदर भी, गैस की तो गति हमको दिख जाती है, है ना, है ना? द्रव के कणों की गति हमको नहीं दिखती है, ठोस के कणों की गति भी हमको नहीं दिखती है, लेकिन एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में, अलग अलग मात्रा में, किसी में कम किसी में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। जैसे इसमें ठोस के कणों में सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी, द्रव के कणों में उससे थोड़ी सी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, और गैस के कणों में निश्चित तापमान पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में, है ना, अब जो द्रवों में सतह पर स्थित, जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो जो वाष्पीकरण होगा वो सिर्फ ऊपर की सतह पर जो कण है उनका होगा, है ना, किनका होगा, सिर्फ ऊपर की जो सतह के जो कण हैं उनका। तो द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। तो इसमें देखो क्वथनांक तक नहीं पहुंचे ना, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी बाल्टी पानी भर के पानी रखा हुआ है धूप में, तो ऐसे कपड़े सूख रहे हैं धूप में, तो वहाँ क्वथनांक तो थोड़ी पहुँचा 100 डिग्री सेल्सियस तक, नहीं पहुँचा, ठीक है ना। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर द्रव अगर किस में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी
किन फैक्टर्स की वजह से ये जो एवेपोरेशन है ये प्रभावित होता है ना। तो देखो जैसे देखा बेटा आपने, जैसे कपड़ा है, ठीक है ना, तो कपड़ा अगर गीला कपड़ा है ना, कपड़े जैसे धोए आपने और उसको ऐसे के ऐसे ही पटक दिया ऊपर छत पे, है ना, एक कपड़े को, तो दूसरे कपड़े को क्या फैला के पटका, है ना, तो बताओ कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा। यस, जिसको कि हमने फैला के सुखाया है ना, और ऐसे कैसे रख दिया वो क्या लगेगा उसको, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब दूसरी केस में जो है ना, जब हमने फैला के पटका उसको, तो उस केस में उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जो धूप के संपर्क में आ रहा है ना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है ना, तो इसलिए वो कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। दूसरी बात है ना, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मौसम में नमी है, जैसे देखा होगा आपने बरसात के दिनों में जो है ना, वो कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, है ना, बल्कि उल्टा सर्दियों में जल्दी सूख जाते हैं, ठंड पड़ रही होती है ना भयंकर, तो सर्दियों में जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बरसात में कपड़े क्या हैं, बहुत देरी से सूखते हैं। कारण क्या है कि बरसात में जो है ना, हवा के अंदर नमी होती है ना, तो वो हवा जो है वो कपड़ों की नमी को और ज़्यादा सोखने में असमर्थ होती है, जबकि जो ठंड पड़ रही है तो उस समय हवा में नमी क्या होती है, कम होती है, तो वो हवा उसको सोख लेती है, ठीक है ना। तीसरा, अगर जैसे आपने कपड़े सुखाए है ना, और एक दिन तो क्या था, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, है ना, तो पता चला 15 मिनट लगे कपड़े सूखने में, और दूसरे दिन पता चला हवा चल रही थी, है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उस दिन 10 मिनट में ही सूख गए या 7 मिनट में ही सूख गए, है ना। क्यों सूख गए, क्योंकि हवा जो है वो कपड़ों में से जो नमी वाष्प बन के उड़ी, उसको हवा बहा के ले जाती है, ठीक है ना, तो वो जगह खाली हो गई तो और वास बन गई, जगह खाली हो गई और वास बन गई, तो इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये क्या हो गया, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। ये कह रहा है देखो, एक परखनली में 5 ml जल लिया हमने, इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया, खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया, है ना। देखो, एक तो 5 ml जल किस में रखा, परखनली में रखा है, दूसरी स्थिति में 5 ml जल किस में रखा है, चीनी मिट्टी की प्याली में रखा है। तो देखो, परखनली तो बिल्कुल सकड़ी होती है कि नहीं होती है, चीनी मिट्टी की प्याली थोड़ी चौड़ी होती है ना, तो सकड़े के बजाय चौड़े में से जल्दी वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा, तो चीनी मिट्टी के अंदर जो पानी है वो जल्दी सूखेगा बजाय किसके, परखनली के पानी के, क्योंकि परखनली तो ट्यूब जैसी होगी कि नहीं हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई वो। तो खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी आलमारी के अंदर रख दिया, है ना। अगर पहले तो क्या था, बाहर रखा हुआ था, खिड़की के पास रखा हुआ था या पंखे के नीचे रखा हुआ था, तो जल्दी वाष्पीकरण हो गया उसका, और अगर उसी प्याली को हम अंदर रख देंगे, आलमारी के अंदर, कमरे के अंदर रख देंगे, तो क्या होगा, वो देरी से वाष्पीकृत होगी, है ना। कमरे का तापमान नोट किया हमने, इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें, है ना। तो बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों करके परीक्षण करके लिखें, तो बारिश के दिनों में क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हो, तो अपन ने बताई दिए, ये तापमान का प्रभाव है ना, तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, अगर किसी दिन तापमान ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कपड़े क्या होगा, जल्दी सूख जाएंगे। सतह का क्षेत्रफल, कपड़े आपने फैला के डाल रखे हैं तो भी जल्दी सूख जाएंगे। वायु की चाल, अगर हवा तेज़ी से चल रही है तो भी कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे, है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की जो दर है वो निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किसके साथ बढ़ती है, पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर, है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, सरफेस एरिया बढ़ने पर। तो अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, वाष्पीकरण कहाँ से होता है बताओ, सतह का होता है ना, देखा ना बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो सिर्फ कौन से कण वाष्पीकृत होते हैं, जो ऊपरी सतह पे हैं, नीचे वाले तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो वाष्पीकरण जो कैसी है, एक सरफेस प्रोसेस है ये, सतही क्षेत्र बढ़ने पर, तो अगर माना उस सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की क्या हो जाएगी, दर भी बढ़ जाएगी। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, है ना, कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम उनको फैला कर सुखाते हैं। फिर है तापमान में वृद्धि, है ना, दूसरा है तापमान वृद्धि, तो अगर तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो अगर माना एक दिन टेम्परेचर 25 डिग्री है, दूसरे दिन माना 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाले दिन ज़्यादा गतिज ऊर्जा मिलेगी उसके कणों को,
पानी के कणों को, तो जल्दी क्या हो जाएगा उनको, वो बाष्पीकृत हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी उनको। फिर है आर्द्रता में कमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, वायु के अंदर कितनी जल वाष्प घुली हुई है ना, तो जो बरसात के दिन होंगे तो उनमें सबसे ज़्यादा जल वाष्प होती है उन दिनों में, ठीक है ना। तो किसी निश्चित ताप, जैसे और उसके बाद तुमने देखा होगा जैसे जुलाई अगस्त के महीने में है ना, जब चिपचिपा मौसम होता है उस समय कहते हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है, तो उसका मतलब उस समय हवा में क्या है, नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है ना। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही होगी, अब तुमको दिखती नहीं है, जल वाष्प होती है उसके अंदर, वायु के अंदर क्या होती है बेटा, जलवाष्प। जैसे तुमने एयर कंडीशनर जो होते हैं ना, तुमने देखा होगा एयर कंडीशनर में से पानी टपकता रहता है पीछे से, पानी कहाँ से आया उसमें, वो बेटा अंदर की हवा जो ली उसने है ना, उसमें से हवा को तो क्या कर दिया उसने, ठंडा कर दिया, लेकिन जैसे ही हवा को ठंडा करता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होती है वो अलग हो जाती है, तो उसको वो एसी बाहर फेंकता रहता है, ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। फिर चौथा, तो देखो तीन पॉइंट तो हो गए, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, आर्द्रता में कमी, ह्यूमिडिटी में कमी होने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। फिर है वायु की गति में वृद्धि, है ना। अगर हवा तेज़ चल रही है तो हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वायु के तेज़ होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है ना। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रभावित होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रभावित होती है, ठंडक है ना। तो देखो बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है ना। अगर माना कोई खुले में बर्तन में पानी द्रव रखा हुआ है, कोई भी लिक्विड रखा हो, तो वाष्पीकृत होता रहता है वो। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अब देखो बेटा इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे तुमने देखा होगा नेल पॉलिश जब लगाते हैं है ना, लड़कियाँ लगाती हैं नेल पॉलिश लगाए है ना, तो उसको लगाते ही ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना, क्या महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है बेटा, कि जैसे ही नेल पॉलिश लगाई हमने, ठीक है ना, तो उसमें क्या कोई विशेष प्रकार की वो स्पिरिट वगैरह होती है, तो वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाती है ना। तो जब वो वाष्पीकृत होती है तो हमारी जहाँ पे हमने नेल के आसपास लगाया उस जगह पे लगाया, तो उस जगह से वो ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित करके तो वो वाष्पीकृत हुई है ना। यानी नेल के ऊपर जैसे हमने लगाया तो नेल के आसपास की जो सरफेस है वहाँ से उसने ऊष्मा को ग्रहण किया और खुद तो क्या हो गई, वो वाष्पीकृत हो गई, लेकिन उस ऊष्मा को अवशोषित करने से वो जो सतह है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सेम प्रिंसिपल बेटा मटके का होता है, कि मटके में पानी कैसे ठंडा होता है ना। तुमने देखा होगा गर्मियों में बाहर कितनी तेज़ धूप पड़ रही है, लेकिन मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, देखो कि मटका जो होता है बेटा उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों से पानी धीरे धीरे रिस के कहाँ जाता है, मटके की जो बाहरी सतह होती है वहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अब बाहर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो जो रिस के जो पानी की कण जो है वो मटके की सतह पे आए, उनका क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। अब वाष्पीकृत हुआ तो उसने है ना ऊष्मा कहाँ से ली, बाहर से ली, तो उस जगह की जो ऊष्मा है वो जो सरफेस है उस जगह की ऊष्मा क्या हो गई, ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, तो उससे वो वापस क्या हो जाता है, ठंडा। तो जिस तरह से जो नेल पॉलिश का प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल किसका है, सिद्धांत हमारे मटके का है ना। तो जिस तरह से नेल के ऊपर नेल पॉलिश लगाने से उसकी आसपास की सतह से वो क्या ले लेती है, ऊर्जा लेकर वाष्पीकृत हो जाती है, तो वो ठंडी हो गई। तो इसी प्रकार से जो पानी भाप बन के उड़ा है ना, तो वो अपने आसपास के जो कण थे उनमें से क्या ली, उसने ऊर्जा ले ली और वो वाष्पीकृत हो गया, तो उससे वो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है।
वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है, ठंडक हो जाती है, शीतलता हो जाती है। तो जब आप एसीटोन है ना, उसमें एसीटोन होता है, नेल पॉलिश जो होती है ना बेटा, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव है ना, तो पॉलिश करने वाले में भी और पॉलिश हटाने वाले में भी ठंडक होती है, को अपनी हथेली पर गिराते हैं। हाँ, तो जब इसको नेल पॉलिश हटाने वाले को जब आप हथेली पर गिराओगे तो क्या होता है, ठंडी हो जाती है ना हथेली हमारी, है ना। ऐसे तुम पेट्रोल का देख लो, थोड़ी सी पेट्रोल की दो चार बूंदें भी अगर आप हाथ पे डालोगे तो हाथ ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है तुरंत। तो वाष्पीकृत होते समय वो अपने सतह, जो हाथ की जो सतह थी उस पर से क्या कर ली, उसने ऊष्मा अवशोषित कर ली, ठीक है ना। तो तुरंत वो जगह कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर क्या महसूस होती है, हमको शीतलता महसूस होती है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, है ना। जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो अपनी छत पर या खुले स्थान पर क्या कर देते हैं, वो पानी छिड़क देते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, है ना। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो जल जैसे ही वाष्पीकृत होगा तो वो क्या गुप्त ऊष्मा लेगा कि नहीं लेगा, तो उससे जो गर्म सतह है वो क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं, तो इस तरह के कई उदाहरण हमको मिल सकते हैं जिनसे कि क्या मिलती है, हमें ठंडक मिलती है, है ना। अब जैसे इसमें दिखा रखा है गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, है ना। तो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए बेटा हमको गर्मियों में, इसलिए पहनने चाहिए कि सूती कपड़े जो होते हैं उनमें बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, है ना। तो उसकी जो पसीने को सोखने की क्षमता होती है सूती कपड़े की क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो हमारे शरीर में पसीना आया, सूती कपड़े ने पसीने को सोखा, है ना, और वो पसीना बाहर आ गया सतह पर, उस कपड़े की सतह पर आ गया, और बाहर क्या है, गर्मी है, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होगा तो क्या हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर क्या महसूस होगी, ठंडक होगी, है ना। और अगर हम उस तरह का कपड़ा पहन के रखेंगे, टेरिकोट वगैरह या पॉलिस्टर वगैरह होते हैं ना, जैसे सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, है ना, तो उनसे क्या है बेटा, जो पसीना है, क्योंकि वो पसीने को सोख नहीं पाते हैं, तो सोखेंगे नहीं तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, ठंडक नहीं होगी। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, क्या मिलती है हमको, ठंडक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है। जो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उतनी के बराबर वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, हमारे शरीर से लेते हैं, जिससे शरीर को क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, सूती कपड़ों में क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखा होगा आपने, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं, है ना। गिलास है, ठीक है ना, उसमें क्या भरा हुआ है, बहुत ठंडा पानी भरा हुआ है ना, लेकिन उसके बाहर बूंदें नज़र आती हैं, तो क्या उसकी दीवारों में से बाहर निकल गई क्या बूंदें, नहीं, है ना। वो ठंडा पानी उसकी दीवारों में से, गिलास की दीवारों में से बाहर निकल के नहीं गया सतह पे, बल्कि वो जो गिलास है उस बर्फीले, है ना, कोल्ड जो पानी है उससे वो गिलास की सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई। फिर बाहर जो हवा है, है ना, वो उस गिलास की सतह के संपर्क में आती है, और हवा के अंदर क्या होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होती है, तो वो मॉइस्चर उस हवा में से क्या होती है, अलग हो जाती है, और उस किसकी सतह पर जम जाती है, उस गिलास की बाहरी सतह पर जम जाती है, तो इसलिए हमको गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, आइस कोल्ड वाटर रखते हैं हम उसमें, ठीक है ना, हमने उसमें क्या रखा, आइस कोल्ड वाटर रखा, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, है ना, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, है ना, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, और ये द्रवावस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है, है ना। तो देखो बच्चों, अब इसमें ये जो दिखा रखा ना बेटा,
कि नॉर्मली हम कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, है ना। लेकिन बेटा अब वैज्ञानिकों ने द्रव की पांच अवस्थाएं माननी शुरू कर दी हैं, है ना। तो ठोस, द्रव और गैस के अलावा चौथी अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। क्या है वो बेटा चौथी अवस्था? प्लाज्मा, ठीक है ना। और पांचवी अवस्था जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस तो बेटा वो जेसी बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक ही है ना, जेसी बोस नहीं, एस एन बोस, है ना, एस एन बोस। और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जानते ही हो आप। तो इनके नाम के आधार पर पदार्थ की पांचवी अवस्था का नामकरण किया गया है। तो इसको आप पढ़ लोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बेटा इस तरह से छोटे 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 क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे अपन ये छोटे से देखते हैं, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, है ना। जब गर्मी पड़ रही हो और दिन कैसा हो, ड्राई हो, तो कूलर अधिक ठंडा ठंडी हवा देता है। क्यों देता है बेटा? क्योंकि ड्राई है और गर्म भी है, तो जो कूलर की टाटी पे जब पानी गिरता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है बेटा, और बाहर क्या है, बिल्कुल गर्मी है और ड्राई है, तो एवेपोरेशन क्या होता है उसका, बाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बाष्पीकरण की दर उस केस में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो नेचुरली ठंडक क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी, है ना। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो बताया था मैंने बेटा आपको घर, है ना, कि जो मटके की सतह है, है ना, उस पर अंदर से छिद्र जो होते हैं उनके द्वारा पानी बाहर आ जाता है, है ना, और पानी वाष्पीकृत होता है, तो अंदर के जो उसके कण थे उनसे वो ऊष्मा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ऊष्मा में ऊर्जा में कमी आ जाती, तो उतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली उसने अंदर के पानी से, तो अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो इसका मतलब वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, तो चाहे एसीटोन डालो या पेट्रोल डालो या इत्र डालो, तो इनके अंदर बेटा इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनका क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये जो रूम टेम्परेचर होता है ना, कमरे का जो तापमान होता है, उससे कम पे ही क्या होने लग जाते हैं, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो है ना, जैसे ऐसे समझो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो उन वो 15 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो जब वो वाष्पीकृत होगा तो हमारी हथेली के आसपास के जो जिस जगह पर रखा हुआ था वो, उसके वहाँ से स्किन में से वो क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, है ना, और हमारी हथेली क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, है ना। तो कप और प्लेट, तो प्लेट क्या होती है, बड़ी होती है, कप क्या होता है, छोटा होता है ना। तो प्लेट में डालते ही प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, तो ठंडे होने की दर क्या होती है, बढ़ जाएगी उसकी, तो इसलिए हम उसको आसानी से पी सकते हैं। गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि सूती कपड़े उस ऊष्मा को क्या करते हैं, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पसीना वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होके और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। देखो और क्वेश्चंस, अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इस वीडियो में अभी टाइम है आपका, है ना। जैसे ये है बेटा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, सेल्सियस में परिवर्तित करना है, है ना। तो हमने देखा था बेटा 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273 K, है ना, 273 K, है ना। अब जैसे ये 273 K किसके बराबर है, 1 डिग्री सेल्सियस के है, तो 300 K क्या हो जाएगा, है ना, 300 K में से, तो 300 में से कितने घटा दोगे आप, 273 घटा दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा आपको, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो देखो 10 में से 7 घटाए तो, 10 में से 3 घटाए तो 7, ठीक है ना, 9 रह गए, तो ये 27, और ये तो 27 डिग्री सेल्सियस। 573 के को डिग्री सेल्सियस चेंज करोगे तो इसमें से क्या घटा दो, 273 घटा दो, तो 573 में से 273 घटाओगे तो कितना आ गया, आ जाएगा 573 में से, तो कितना आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर बेटा केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 के जो है वो छोटी इकाई है, सेल्सियस क्या है, वो बड़ी इकाई है। जैसे इसमें दिखाया गया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए, तो केल्विन में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सीधे क्या जोड़ दो बेटा, 273 जोड़ दो, तो ये किस में बदल जाएगा, के में बदल जाएगा, ठीक है ना, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो,
थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को हवा में रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है ना। तो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं बेटा ये छोटी 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 है ना, तो ऐसे समझो आपने कपड़े में रखा है ना, और कुछ समय बाद पता चला कि वो गायब क्यों हो गई, क्योंकि वो अपने पढ़ा था ना ऊर्ध्वपातन, यानी कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए क्या बदल जाते हैं, वो गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो नेफ्थलीन को जैसे ही आप हवा में रखोगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो गीला, वहाँ पे गीले का नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा आपको, गायब हो जाएगा वो हवा में से, है ना, तो ठंडा नहीं होगा वो, ठीक है। और ठंडा क्या मतलब, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे किस में, गैस में, इसलिए वो हमको कुछ भी ठोस मिलेगा नहीं और क्या हो जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। इत्र की गंध क्यों बैठती, क्यों बेटा, इत्र की गंध जो है वो किस रूप में होती है, वो वाष्प रूप में होती है, गैसीय अवस्था में होती है ना, और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत जल्दी से वातावरण की जो हवा है उसमें क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी वो क्या हो जाते हैं, विसरित और डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी इत्र की गंध आसानी से आ जाती है। फिर है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। किसके कणों के बीच ज़्यादा आकर्षण होगा, जल, चीनी, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण होगा क्योंकि गैसीय अवस्था में है ये, है ना, द्रव में गैसीय अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षण होता है और ठोस में द्रव की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षण होता है ना, देखा था ना अपने ठोस के जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार, तो पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद चीनी, ठीक है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, इन टेम्परेचर्स पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बेटा, वो द्रव होगा, होगा कि नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जो हो जाएगा ठोस बन जाएगा ना, बर्फ़ बन जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ना, है ना, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है, तो इस पर क्या बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा जल, है ना। तो इस केस में वो द्रव अवस्था में है, इस केस में पानी, जल जो है वो ठोस अवस्था में है, और इसमें वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है या वाष्पीकृत अवस्था में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, पुष्टि हेतु कारण दें, है ना, इसको इसकी जो पुष्टि करनी है उसके लिए कारण देना आपको। जल कमरे के ताप पर द्रव है ना, तो कमरे के ताप पर जो जल है वो क्या होता है, द्रव। तो कमरे का ताप लगभग 20 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, 20 या 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, तो अब वो 0 और 100 के बीच हो गया कि नहीं हो गया, तो 0 तो क्या होता है, ठोस अवस्था होती है, और 100 जो होता है वो गैसीय अवस्था होती है, तो उसके बीच में जितने भी टेम्परेचर होंगे वो सब क्या होंगे, द्रव की अवस्था में होंगे, ठीक है। लोहे की आलमारी कमरे के ताप पर ठोस है ना, तो क्यों है वो ठोस, क्योंकि जो लोहे की आलमारी है वो किसकी क्या है, लोहे की बनी हुई है ना, तो लोहे की आलमारी, और जो लोहा है वो क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, वो ठोस होता है ना, तो उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसमें देखो बेटा, 273 के पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 के पे यानी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया, 273 के का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है ना, और इसी पे क्या है, जल है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में बेटा कुछ मिसप्रिंट है इसके अंदर ना, 273 पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का अधिक क्यों होता है, कुछ बेटा इसमें मिस्टेक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है ना, तो उबलता हुआ जल है और भाप है ना, तो बेटा देखो भाप के अंदर क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, तो एडिशनल ऊष्मा है कि नहीं उसके अंदर, है ना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ जल और 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो भाप है ना, तो
भाप में जो है वो क्या है, कुछ ऊष्मा एक्स्ट्रा है उसके अंदर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, भाप, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना, यानी जल थोड़ी सी ऊष्मा और ग्रहण करके तब फिर भाप में बदलता है, ठीक है ना। तो किस में से जलने की तीव्रता अधिक होगी हमको, भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी। जैसे तुमने देखा होगा बेटा, तो गर्म रोटी होती है, तो जैसे गर्म गर्म रोटी अगर बाय द वे फूट जाए, है ना, तो उसमें से कितनी तेज जलन हमारे उसमें होती है, ठीक है। तो ऐसे ही लगता है शायद ये इसको कहना चाह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वही जिस तरह से ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है ना, तो ऐसे ही ये वाली क्या होती है उसकी हिमीकरण, हिमीकरण की क्या होती है इसके अंदर ऊष्मा होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ वो है बेटा, है ना। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन हो गए आपके सारे पूरे, वेरी गुड, है ना। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को करिए, है ना। तो देखो बेटा, ये ठोस है ना, और ये द्रव है ना, और ये फिर द्रव से वापस क्या बन रहा है, ये ठोस बन रहा है ना। तो निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए, है ना। फिर ई ठोस से, ये ई से क्या बन रहा है, ये गैस बन रहा है, और गैस से ये एफ, है ना, और फिर वापस क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, है ना। देखो बेटा, ये था ना, ठोस को हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या बना वो, द्रव बना, है ना। और द्रव को एक तरह से इसको संगलन किया था ना, ठोस का क्या किया अपन ने, संगलन, फ्यूज़न, तो द्रव बन गया। और फिर द्रव का क्या किया हमने, द्रव को क्या किया, वापस से ठंडा किया, तो क्या बन जाएगा वो, ठोस बन जाएगा, ठीक है ना, हिमीकरण कर दिया उसका। ऐसे ही जो द्रव है इसको वापस से फिर गर्म किया हमने, है ना, तो ये वाष्पन हो गया ना, तो वाष्पन से क्या बन गई, गैस बन गई, और गैस को फिर वापस से ठंडा किया, है ना, तो ये संघनन कहलाता है ना, गैस से संघनन होके क्या बन जाती है, द्रव बन जाता है। और ये देखो, ठोस से सीधे ही गैस बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, है ना। और गैस से वापस ये क्या बन रहा है, गैस को ठंडा करके सीधे ही क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। तो एक शब्द आया था ना उसके लिए, सीधे ही ठोस बदलना है उसके लिए, क्या शब्द आया था आपके इसमें, ये वाला शब्द आया था बेटा, सीधे ही उसमें चेंज होता है ना वो, निक्षेपण, क्या बोलते हैं उसको, निक्षेपण। देखो ये चित्र था ना, यही सेम इस क्वेश्चन का, है ना। तो ठोस को संगलित किया, द्रव बन गया, द्रव को वाष्पीकृत किया, गैस, है ना, ठीक है। ऐसे द्रव को जमाया, फ्रीज किया उसको, ठोस बन गया। गैस को संघनन किया, कंडेंसेट किया, द्रव बन गया, ठीक है ना। फिर एक कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, ठोस को गर्म किया सीधे ही गैस में, तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और गैस को वापस ठंडा किया, तो किस में बदल गई, ये ठोस में बदल गई, इसको निक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ए बी सी डी ई जो दिखा रखे थे ना आपके इसमें, ये वही है बेटा, है ना। ए क्या हो गया, ठोस, तो ये संगलन, है ना। ये क्या हो गया, हिमीकरण था ना, फ्रीजिंग जिसको बोला था, है ना, फ्रीजिंग था ना आपके, जमना, जमाना, क्या था इसके अंदर, जमाना था, ठीक है। तो ये ठोस को फ्यूजन हो गया, ठीक है, ये जमाना हो गया, और फिर ये वाष्पीकरण हो गया, ये संघनन हो गया, ये वाला ऊर्ध्वपातन हो गया, और ये वाला निक्षेपण हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपके, अब मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन तो था ना बेटा, उसमें कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं इसके इनबॉक्स में जो होता है ना बेटा, उसमें उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसका सही आंसर, सही क्वेश्चन ये है, सही आंसर ये है। God bless you all.